ब्रांचेस को. वजह ये होती है कि हमने 2 से 3 महीने से ज़्यादा, 3 मंथ से ज़्यादा हम वायर नहीं रखते. पौधा भी इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता. कुछ पौधे होते हैं जो बहुत अच्छी एक्टिव ग्रोथ पर होते हैं, पूरा साल ग्रो करते हैं, वो बर्दाश्त कर जाते हैं. लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि वायर अंदर धंस जाती है, ब्रांच मोटी हो जाती है, फिर उस वायर को निकालना एक बहुत मुश्किल काम होता है. निकल जाए तो वो एक परमानेंट डैमेज नज़र आता है. बोगनविला के साथ ऐसा नहीं है. बोगनविला और कुछ और पौधे भी हैं जो कि वायर को माइंड करते हैं, ज़्यादा अरसे तक अपने ऊपर कोई चीज़ रैप हुआ भी बर्दाश्त नहीं करते. वजह यह है कि साल के 6 महीने तकरीबन, 5 से 6 महीने ये डॉर्मेंसी में होती है जब फिज़ा और सर्दी का मौसम होता है, पत्ते झड़ जाते हैं. एक और चीज़ जो होती है वो ये कि सर्दी में वायर बहुत ठंडी हो जाती है जो कि मेटल है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है. तो अगर तो वो पत्तों के साए में है, पौधा एक सेफ है, तो तब तो शायद वो डैमेज ना हो. पूरी ब्रांच डेड है. नेगलेक्ट छोड़ा था, 2-2 फिट की ब्रांचेस निकल आई. ब्रांचेस को दोबारा से रिड्यूस करना है, दोबारा इसकी ओरिजिनल शेप के ऊपर इसको वापस लाना है. बोगनविला, जेड प्लांट, एडीनियम्स, ये तमाम वो पौधे हैं जो वायर को बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं. कोशिश ये की जाती है कि इन पर वायर ना किया जाए, सिर्फ इनको कट एंड ग्रो के मेथड इस्तेमाल करें. ब्रांच बड़ी हो उसको कट कर दें, तो उससे ये ब्रांचेस जो हैं वो डेड नहीं होती और अपनी शेप भी बरकरार रखती हैं. इसकी थोड़ी सी एनर्जी जो है वो वापस आ जाएगी. क्यों आ जाएगी? क्योंकि मैं इसकी रूट्स को अभी नहीं छेड़ रहा. इसकी कंजम्पशन, इसकी एब्जॉर्प्शन नीचे से उतनी ही होगी, ऊपर से इसकी यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी, तो ये और ज़्यादा बूस्ट अप होके स्प्राउट करेगा. ऊपर जाए तो वो इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं देगा. तो मैं दूसरी ब्रांच को टॉप बनाऊँगा.